हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो के अंदर गाइज हम लोग फिर से बात करने वाले अपने गेम के अंदर आने वाले अपकमिंग इवेंट्स के बारे में, जिनमें गाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपना जो ट्रॉपिकल पैरेट एमरेट 7 का स्किन है वो कब इंडिया सर्वर के ऊपर रिटर्न आने वाला है। साथ ही साथ में गाइज अपना जो पर्पल शेड बंडल है उसके भी रिटर्न डेट को यहाँ पर लेकर कुछ लीक्स निकल कर आ रही है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड प्लस मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हूँ अपने नेक्स्ट इवो गन के बारे में कि यहाँ पर अपने इंडिया सर्वर के ऊपर नेक्स्ट इवो गन कौन से हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो वीडियो गाइज आप लोग जरूर से एंड तक देख लेना। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना। और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हो तो ऐसे इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो चलिए गाइज अभी बिल्कुल ही टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट अपडेट में गाइज यहां पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉप ऑफ इवेंट की। तो गाइज देखो यहां पर जो नेक्स्ट टॉप ऑफ इवेंट आने वाला है वो 25 अगस्त को आप लोगों को मिल जाएगा। एंड उसमें गाइज आप लोगों को अपनी जो न्यू हाइपर बुक है रैम्पेज की थीम की वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएगी, जो कि आई थिंक आप लोगों को 100 डायमंड के टॉप अप पर भी मिल सकती है, नहीं तो गाइज आप लोगों को 300 या फिर 500 डायमंड के टॉप अप पर मिल जाएगी। अभी इसका जो प्राइस है वो कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर टॉप अप इवेंट के अंदर जो हाइपर बुक है ये आप लोगों को मिलने वाली है। तो गाइज कैसा लगा आप लोगों को अपना नेक्स्ट टॉप अप इवेंट कमेंट करके आप लोग मुझे जरूर बताना। एंड क्या आप लोग अपनी न्यू हाइपर बुक को निकालोगे या फिर नहीं निकालोगे वो भी साथ में कमेंट कर देना। फिर गाइज यहाँ पर बात करें रैम्पेज के कुछ फ्री रिवर्स की, तो गाइज देखो अभी इवेंट के अंदर तो आप लोगों को फीमेल का बंडल, परांग, फाल्को पेट की स्किन वही सब रिवर्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन गाइज रैम्पेज के थीम के कुछ यहाँ पर बॉक्सेस मेरे पास निकल कर आ चुके हैं, जो कि गाइज लीक्स निकल कर आ रही कि हम लोगों को फ्री में मिलेंगे। तो पहले बॉक्स का नाम है गाइज अपोकैलिप्स बॉक्स। तो इस बॉक्स के अंदर गाइज आप लोगों को यहाँ पर कुछ बंडल्स मिल जाएंगे। एंड इसमें गाइज ये वाला जो ग्रीन बंडल है ये सबसे रेड बंडल है, तो ये वाला बंडल आप लोगों को मिल जाएगा। एंड कुछ दो तीन बंडल और आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, लेकिन गाइज यहाँ पर सबसे बढ़िया जो बंडल है ये ग्रीन वाला बंडल है। तो ये कुछ यहाँ पर बंडल्स आप लोगों को मिलने वाले हैं, प्लस आप लोगों को अपोकैलिप्स टोकन भी देखने को मिलेगा। तो ये टोकन से भी आप लोग बंडल को एक्सचेंज कर सकते हो, नहीं तो गाइज आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्टली जो बंडल है वो निकल सकता है। फिर गाइज यहाँ पर जो क्रिएट आता है वो है गाइज अपनी न्यू हाइपर बुक का क्रिएट, तो उसके टोकन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इस टाइप के जो टोकन से ये आप लोगों को न्यू हाइपर बुक के देखने को मिल जाएंगे, मतलब हाइपर बुक को अपग्रेड करने के लिए जो टोकन यूज में आता है वो ये वाला टोकन है। फिर गाइज आप लोगों को रैम्पेज फैक्शन नाम का एक बॉक्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पर गाइज आप लोगों को पेट फूड, गोल्ड कॉइन, वाउचर एंड आप लोगों को यहाँ पर लास्ट में ओ ये इमोट भी देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला जो इमोट है ये गाइज आप लोगों को ये वाले बॉक्स के अंदर मिलेगा। तो अभी गाइज ऐसी लीक्स निकल कर आ रही है कि रैम्पेज इवेंट के अंदर से ये बॉक्स भी हम लोगों को मिलने वाले हैं। अब गाइज देखो हाइपर बुक का जो बॉक्स है वो तो आप लोगों को फ्री में नहीं मिलेगा, उसको लेने के लिए तो आप लोगों को यहाँ पर जो डायमंड है वो पे करने पड़ेंगे। लेकिन गाइज यहाँ पर अपोकैलिप्स बॉक्स एंड जो रैम्पेज फैक्शन बॉक्स है ये हम लोगों को फ्री में मिल सकता है, जिसके अंदर ओ ये इमोट एंड गाइज पहले वाला जो अपोकैलिप्स बॉक्स था उसमें आप लोगों को एक काफी कमाल का बंडल भी मिल जाता है। तो गाइज लेट से देखते हैं कि कौन से इवेंट के अंदर गरीने वाले हम लोगों को ये सारे बॉक्स देते हैं। लेकिन हाँ आप लोगों को मिलेंगे ये सारे बॉक्स रैम्पेज इवेंट के अंदर, तो मैं आप लोगों को रिव्यू करा दिया। इसके अलावा गाइज यहाँ पर एक न्यू एनिमेशन की बात करें तो गाइज यहाँ पर अपना जो डेमन स्लेयर के साथ गरीना वाले कोलैबोरेशन करने वाले उसके थीम का गाइज एक न्यू एनिमेशन यहाँ पर निकल कर आ चुका है, जिसका नाम है वॉटर ब्रीथिंग। तो भाई ये वाला जो एनिमेशन है आप लोग देख सकते हो काफी कमाल का एनिमेशन होने वाला है। तो भाई ये वाला एनिमेशन है ये आप लोगों को तब मिल जाएगा जब अपने फ्री फायर के अंदर जो डेमन स्लेयर का कोलैबोरेशन है उसका इवेंट स्टार्ट होगा। तो 26 तारीख के बाद गाइज आप लोगों को आई थिंक इसका जो इवेंट है ना वो इन गेम के अंदर मिल जाएगा, मतलब आप लोग मान लो कि सितंबर मंथ की फर्स्ट वीक तक अपना जो डेमन स्लेयर का इवेंट है वो इंडिया में स्टार्ट हो जाएगा। तो तब गाइज आप लोगों को उसके थीम पर ये वाला जो एनिमेशन है किसी ना किसी इवेंट के अंदर मिल जाएगा। अब चांसेस तो है कि गाइज आप लोगों को फेडिविल के ऊपर मिल जाए, बट फेडिविल के ऊपर भी आ सकता है, वरना गाइज कोई और इवेंट के अंदर भी गरेना वाले इसको डाल सकते हैं, बट आने वाला है अपने डेमन स्लेयर के थीम पर। तो मैं आप लोगों को इसका रिव्यू करा दिया, चल बोल आगे। देन गाइज यहाँ पर बात करें हम लोग नेक्स्ट रिंग इवेंट की, तो गाइज देखो यहाँ पर 100% कंफर्म हो चुका है कि नेक्स्ट रिंग इवेंट कौन सा आने वाला है। तो गाइज यहाँ पर अपना रैम्पेज का जो लेजेंडरी बंडल है उसका गाइज आप लोगों को रिंग इवेंट देखने को मिल जाएगा, जो कि 26 अगस्त को आप लोगों को मिल जाएगा। एंड इस इवेंट का नाम होने वाला है इंकर व्हील इवेंट, जहाँ पर गाइज आप लोगों को अपना रैम्पेज का जो मेल बंडल है ये देखने को मिल जाएगा। अभी तो फिलहाल गाइज सिर्फ यही लीक निकल कर आ रही है कि इस वाले रिंग इवेंट के अंदर आप लोगों को अकेला एक मेल बंडल ही देखने को मिलेगा, बट मेरे को अंदर से ऐसा लग रहा है कि मेल बंडल के साथ कुछ और रिवर्ड्स भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला बताओ।
देन गाइज यहाँ पर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट इवो गन की, तो गाइज देखो नेक्स्ट इवो गन जो आने वाली है वो है गाइज अपनी इवो ग्रोजा। जी हाँ गाइज, ग्रोजा की इवो गन आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो इसके आप लोग यहाँ पर एट्रीब्यूट्स देख सकते हो, डबल रेट ऑफ फायर आप लोगों को मिलेगा, सिंगल इसका डैमेज होने वाला है, एंड इसका जो मूवमेंट स्पीड है वो सिंगल माइनस आप लोगों को मिल जाएगा। एंड इसका लेवल 1 का एंड लेवल 7 का लुक तो आप लोगों ने देख लिया होगा। अभी चलो यहाँ पर इसका फुल रिव्यू देख लेते हैं। तो गाइज लेवल 1 करने पर आप लोगों को इसका जो लुक है वो कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। फिर गाइज लेवल 2 पर आप लोगों को इसका जो एलिमिनेशन इफेक्ट है वो यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा, मतलब जब भी आप लोग बंदों को किल करोगे तो आप लोगों का जो नाम है वो इस तरह से हाईलाइट होगा। फिर लेवल 3 पर गाइज इसका जो न्यू लुक है वो आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग अपग्रेड करोगे टोकन देकर तो लेवल 3 पर इसका जो लुक है वो कुछ इस टाइप का आप लोगों को मिल जाएगा। फिर गाइज लेवल 4 पर आप लोगों को इसका हीट इफेक्ट, साथ ही साथ में गाइज यहाँ पर इसके जो एट्रीब्यूट्स है वो अपग्रेड हो जाएंगे, मतलब तब आप लोगों की जो इवो गन है वो इवो गन मतलब आप लोग मान सकते हो उसको, उसके जो एट्रीब्यूट्स है वो यहाँ पर फुल्ली अनलॉक हो जाएंगे, डबल रेट ऑफ फायर, सिंगल डैमेज यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा। फिर गाइज लेवल 5 पर आप लोगों को एलिमिनेशन इफेक्ट, साथ में आप लोगों को फायरिंग इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, मतलब जब भी आप लोग बंदों को पूरा किल कर लोगे तो उसके बाद में आप लोगों को ये वाला इफेक्ट मिलेगा। एंड आप लोग जब भी बंदों को हिट कर रहे होगे, मार रहे होगे उनको, तो गन से जब भी गोलियां फूटेगी तो इस टाइप का फायरिंग इफेक्ट आप लोगों को मिलेगा। देन गाइज लेवल 6 करने पर आप लोगों को इसका न्यू लुक देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी यहाँ पर मस्त होने वाला है। एंड इसकी जो एबिलिटी है वो यहाँ पर अनलॉक हो जाएगी, तो जैसे हर इवो गन के अंदर एक आप लोगों को एबिलिटी देखने को मिलती है इवो गन की, तो इसके अंदर भी आप लोगों को एबिलिटी देखने को मिलेगी जो कि लेवल 6 पर अनलॉक होगी। एंड लेवल 7 पर गाइज इसके ऊपर आप लोगों को काफ़ी तगड़ा एनिमेशन, साथ ही साथ में गाइज यहाँ पर आप लोगों को इसका इमोट भी देखने को मिल जाएगा। जैसे हर इवो गन के अंदर आता है आप लोगों को लेवल 7 करने पर एक इमोट मिलता है इवो गन का, तो इवो ग्रोजा का जो इमोट है वो आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, इस टाइप का जो इमोट है ये आप लोगों को मिलने वाला है। तो भाई ये होने वाली अपनी नेक्स्ट इवो गन। एंड अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इवो स्कार का क्या हुआ, इवो स्कार आएगी या फिर नहीं आएगी, तो भाई देखो यहाँ पर इवो स्कार को गरेना वालों ने वापस से पेंडिंग पर रख दिया है, मतलब उसको मतलब लाइन में ही रहना पड़ेगा। जैसे न्यू इवो गन आती रहेगी गरेना वाले उसको देते रहेंगे, इवो स्कार है उसको भाई अभी मतलब कब देंगे गरेना वाले उसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ अभी उसका जो फुल रिव्यू है मतलब सब कुछ यहाँ पर लेवल 8 तक का उसका जो लुक है वो निकल कर आ चुका है। तो फाइनली गाइज अभी मेरे को लगता है कि आप लोगों को OB42 अपडेट आएगा, उसके अंदर आई थिंक आप लोगों को इवो स्कार 2.0 है वो देखने को मिल जाएगी, बट देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या कुछ होता है। गरेना वाले है भाई, कुछ भी कर सकते हैं। सही बात है। अभी गाइज हम लोग इस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने ट्रॉपिकल पेरेट रिटर्न के बारे में कि वो कब हम लोगों को देखने को मिलेगी। साथ में यहाँ पर अपना पर्पल शेड बंडल है वो कब इंडिया में रिटर्न आने वाला है। तो भाई देखो आप लोगों को पता होगा अभी अपना दिवाली इवेंट है वो नजदीक है, आप लोगों को 2-4 महीनों के बाद अपना दिवाली इवेंट इंडिया में देखने को मिलेगा। हाँ। एंड हर दिवाली इवेंट के अंदर गाइज आप लोगों को एक दिवाली विश इवेंट देखने को मिलता है, जैसे गाइज पिछली बार भी आप लोगों को यहाँ पर एक विश इवेंट देखने को मिला था कुछ इस टाइप से। तो गाइज ऐसी लीक्स निकल कर आ रही है कि इस बार का अपना जो दिवाली इवेंट आने वाला है उसके अंदर गाइज जो विश इवेंट रहेगा ना उसमें अपनी ट्रॉपिकल पेरेट ML27 की स्किन को डाला जाएगा, एंड बंडल के अंदर गाइज अपना जो पर्पल शेड बंडल है ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। क्योंकि गाइज ये दोनों आइटम है ना वो इंडिया सर्वर के ऊपर काफी डिमांडिंग आइटम है, मतलब बंदे पागल हो जाएंगे अगर गाइज ये दोनों आइटम आती है। तो ट्रॉपिकल पेरेट एंड जो अपना पर्पल शेड बंडल है वो गाइज दोनों आप लोगों को यहाँ पर दिवाली विश इवेंट के अंदर मिल जाएंगे। बट हाँ फ्यूचर में अगर मेरे पास इसको लेकर कोई यहाँ पर और अपडेट्स आती है कि यहाँ पर किस टाइप का इवेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा तो मैं जरूर से आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। भाई देखो आज की वीडियो के लिए तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आप लोगों को गाइज आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो यार फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, एंड साथ ही साथ में बाजू वाला जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरा आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो आज की कमाल की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मैं मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।